जी, इस वक्त हम मौजूद हैं फैसलाबाद के इलाका गुलिस्तान कॉलोनी में। चूँकि आज हम सफ़र शुरू कर रहे हैं ननकाना साहब की तरफ, और यहाँ से हमने अपने एक दोस्त जो हैं अजी नदीम साहब उनको लेना है, और उनके साथ आगे एक दोस्त हैं जिनको ननकाना साहब में जिनका खासा ताल्लुक है उनको लेना है। तो हमारे साथ रहिएगा, आज हम आपको ननकाना साहब का पूरा टूर करवाएंगे और आपको उसकी तारीख बताएंगे और बताएंगे कि ये ननकाना साहब जो शहर है ये जन्म स्थान के अलावा और किस अहम शख्सियत का शहर है। ये जी ननकाना साहब शहर के बाहर एक नौजवान सदियों जहाँ पर छिट्टा जो है वो हम लेने के लिए रुके हैं, और इस वक्त हम ननकाना साहब शहर के मेन एंट्री गेट पे हैं, और यहाँ से शहर ननकाना साहब जो है वो स्टार्ट हो जाता है। जी, ननकाना साहब मेन स्टॉप है, और यहाँ पर पीछे कुछ खाने पीने वाली दुकानें हैं, और मैं इस वक्त अपना सिट्टा एंजॉय कर रहा हूँ और उसका मज़ा ले रहा हूँ, जबकि मेरे साथ वाले जो लोग हैं वो यहाँ से दही भल्ले और नान टिक्की खाने में मसरूफ़ हैं। और यहाँ से मेन ननकाना साहब शहर जो है वो शुरू हो रहा है, और हम आपको दिखाएंगे पूरा ननकाना साहब और ननकाना साहब की तारीख और इसकी अहमियत क्या है, उस हवाले से आज हम बात करेंगे अपने इस वीलॉग में। बेटे, क्या हाल चाल है आपका? ठीक हो? खैरियत से हो? ननकाना साहब शहर में रहते हो? ननकाना साहब शहर की क्या अहमियत है? क्यों मशहूर है ननकाना साहब, पता है आपको? गुरुद्वारा, जन्म स्थान, मोहम्मद इरफान क्रिकेटर का शहर, बाबरा शरीफ का शहर है ननकाना साहब। तो आप तो उस शहर में रहते हो जहाँ से इतनी इतनी बड़ी हस्तियाँ जो हैं वो निक गुजरी हैं, तो आपको कैसा लगता है? ठीक है, अच्छा लगता है। जी, तुसी जड़ा मेरे पीछे देख रहे हो ननकाना शहर का बाज़ार है, और ननकाना शहर दियाँ दुकाना और ननकाना शहर का बाज़ार। आ चुके इतने जुमा है, तो जुमे वाले दिन इतने छुट्टी होंगी है, तो इस वजह तो बहुत सारिया दुकाना जड़िया ने वो अज बंद ने, और हूँ असी जा रहे हैं जी गुरुद्वारा जन्म स्थान के वाल। जी, इस वक्त असी गुरुद्वारा साहब के अंदर हाँ, और इतने कुछ रिस्ट्रिक्शनस ने मोबाइल फोन इस्तेमाल करन दी, की वजह मैं तुम्हें बाद चो दसागा। जी, वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरू जी की फतेह। तुम इस वेल दर्शन करो गुरुद्वारा श्री जन्म स्थान ननकाना साहब जी, जिते गुरु नानक जी महाराज जी का जन्म सन 1469 दे विच होया। इस वेले आप जी के मित्र दोस्त गुरु घर आए हुए ने, आप जी तक ये वीडियो पहुँचाएंगे। जी, आप हुण जाने अंदर दर्शन करन लई। यह है गुरु नानक साहब जी का जन्म स्थान, जिहड़ा ओरिजिनल घर है गुरु साहब जी का, इसी का नाम से रायपोई की तलवंडी मौजूदा श्री ननकाना साहब जी। अगर आप जी नूं डेली दा हुक्मनामा या आप जी नूं कोई दर्शन दीदारे करने हो तो नंबर अपने को नोट करो 0092306927619 ज्ञानी बलवान सिंह जी। ये हैगा गुरु घर दा बार दा अंदरूनी हिस्सा, और यह हैगा शहीदी स्थान जिथे 200 सिंह शहीद हुए सन 1921 दे विच, और ये वो जंड है जिथे 200 सिंह शहीद हुए सन, और उन्होंने मेन जनरल लीडर से भाई लक्ष्मण सिंह जी ने इस जंड दे नाल बन के जलाया गया सी। 200 सिंघां दा संस्कार किया गया सी, उन्हां दी याद विच ये पालकी सुशोभित है, और ये पालकी अमृतसर तो दिल्ली तो लैके आए सन सारी संगत रल के इस स्थान पर सुशोभित करने वास्ते जी। अच्छा जनाब,
ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਔਰ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਖਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਤਕੱਦਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕਟੋਕ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਵੇਲੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਛੋਟੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਚੂੰਕਿ ਲੋਕ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਤਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ ਪੰਜ ਫੁੱਟ ਗਿਆਰਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁਲਾਰ ਪੱਟੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਬਾ ਨਾ ਵਜੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਮੇਂ ਜੋ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਥੇ ਇੱਧਰ ਸਰਦਾਰ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਥੇ ਜਿਸ ਵਕਤ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਹ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਚੂੰਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਲੋ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਅਖਬਾਬ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਿਕਟੋਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਓ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਔਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਛੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਉਨ ਵੀ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟੋਕਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਣਾ ਜੋ ਉੱਚੀ ਮਨਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਾਲੀਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਾ ਥੱਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬਣਿਆ ਵਾ ਇੱਕ ਮਾਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਠੀ ਸਾਹਿਬ ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ 7 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਟੋਟਲ 7 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੇਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਨਾਨ ਖੇਲਤਾ ਤੇ ਜੋ ਛੋਟਾ ਸਾ ਬਣਾ ਹੁਆ ਵੋ ਉਧਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਨਾਨ ਪੜਤੇ ਥੇ ਜੋ ਛੋਟਾ ਸਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਾ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਕੋ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਹਾਂ ਪਰ ਜੋ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਖੇਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜੇ ਜੀ ਜ਼ੰਜੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕੇ 25 ਫੁੱਟ ਗਹਿਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ੰਜੀਰ ਫਾੜ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰਾ ਬਤਾਉਣਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਛਲੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜੀ ਅਲਿਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਨਾਮ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਸੂਸੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਇੱਥਾਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਕੀਦਤ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਬਾਨੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕੋਈ 5:15 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ੰਜੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਔਰ 25 ਫੁੱਟ ਗਹਿਰਾ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਔਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਸਿਕਲੀ 7 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇੱਕ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੇਲਦੇ ਸੀ ਇਹ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਪੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਵਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਕੱਜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਉੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਮਕਾਮਾਤ ਨੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੱਜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟੋਕਰਸ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿੱਕੇ ਦੀਆਂ ਮੁਕੱਦਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕੱਦਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਟੋਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਥੇ ਮਨ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਲੌਕ ਹੋ ਕਾਰਡ ਤੂੰ ਬਣਾ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫੀਸਰ ਦਾ ਕਾਰਡ ਲੈਣਾ ਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਊਂਟਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ अच्छा जी असं इस टाइम मौजूद हाँ गुरुद्वारा जन्म अस्थान साहब के बिल्कुल बाहर और इतने तुम से दिखाने कड़ा कृपान वाली एक दुकान साढ़े पीछे देख रहे हो जी है मेन रोड है रस्ता है और हूँ असं अंदर चलने हैं तो सरदार साहब नाल गपशप लाने हैं और थोड़ा जहाँ उन्होंने पूछने हैं कि जेडे यात्री इतने आते हैं जदों चूंकि जन्म दिन आने वाला है गुरु साहब का तो उस वक्त उस वेले जड़ा है कि क्रश हों सरदार जी क्या ठीक ठाक हो सरदार जी थोड़ा नाँ की है जसबीर सिंह साहब इस टाइम साढ़े नाल मौजूद ने सरदार जी सानूं यह दसो कि गुरद्वारा साहब जड़ा है इहदी तारीख तो चूंकि बहुत पुरानी है महाराजा रणजीत सिंह के दौर चो महानता का फिर 1921 वाला मैसेकर है तो तुसीं इत्थे किन्ने अरसे तो रह रहे हो ननकाणा साहब इतने आम दिनों रश ज़्यादा होता है या कि जो सरदार जी जिहड़े साढ़े तुहाडे सिंह भाई ने लंडन च कैनेडा के अंदर या जिहड़े चढ़दे पंजाब और लहिंदे पंजाब च ने उन्हां नूं कोई छोटा जिहा पैगाम मुहब्बत का भाईचारे का तुसीं देना चाहोगे तू ननकाणा साहब पाकिस्तान की धरती मुहब्बत भरिया पैगाम अपने जेडे भाई ने उन्होंने देना चाहोगे बहुत शुक्रिया सरदार जी बहुत मेहरबानी थोड़ी तुम सू टाइम दिता और इस टाइम असं जनाब है कड़ा कृपान वाली दुकान पर मौजूद हाँ जेडे यात्री खास तौर पर पाकिस्तान तो बाहरों कैनेडा तो या इंग्लैंड तो आते हैं वो इतने आके चीज़ों की खरीददारी कर सकते हैं इस वेले जी असी एक होर दुकान से बाहर हाँ और यह दुकान भी जी सरदारा की कड़ा और कृपान वाली दुकान है आओ इस दुकान के अंदर भी चलने हैं और सरदार साहब नाल गपशप भी लाने हैं तो साले उन्होंने पूछने हैं कि उन्होंने को जड़े केड़िया केड़िया चीज़ें इतने दस्तियाब ने सरदार जी की हाल चाल है थोड़ा ठीक ठाक हो ठीक ठाक सरदार जी तुसी थोड़ा नाँ की है परमिंदर सिंह मेरा नाँ है ननकाणा साहब और सरदार जी तुसी इत्थे किन्ने अरसे तो रह रहे हो सरदार जी की जमपल ही ननकाणा साहब की है और सरदार जी इतने जो लोग यात्री खास तौर पर जो कैनेडा तो इंग्लैंड तो आते हैं या सिंध वाली साइड तो आते हैं तो तुहाडे कोल इस दुकान के अंदर की शै मौजूद है कुछ थोड़ा जहा दस सकते हो सानू साडे कोल बेसिक जी ज़्यादा चीज़ा ने कॉस्मैटिक्स के लिहाज का नहीं ज़्यादा लेकिन मजहबी लिहाज का कड़ा कृपान और इस तरह की मतलब काफ़ी चीज़ा जी खंडे हो गए ने पग हो गई ने सारिया शावं तुम इतों लिया जी तो और मुहब्बत वाले लोग ने बड़ी मुहब्बत करते हैं और अगर सरदार जी सू इजाजत दौ तो अभी काउंटर की वीडियो छोटी छोटी बना सकते हैं कृपान है देखो जी ए कृपान है और स्टीनलैस स्टील की है जी और यदि पाकिस्तानी रुपया कितनी कीमत है 1050 रुपये पाकिस्तानी दे अंदर तुम इतों मिलेगी और मैं तुम्हें जरूर कहांगा कि जो भी तुम इतने यात्रा वास्ते आओ तो सरदार और जरूर चक्कर लाओ इन्होंने बड़ी मुहब्बत मैं आके पूछा सरदार जी को सरदार जी असं थोड़े एक वीडियो क्लिप बनाया तो सरदार जी ने बड़ी मुहब्बत ने कहा जनाब बना लो ये कि गल है तो सरदार जी कोई पैगाम मुहब्बत भरा पैगाम इतों कोई देना चाहोगे बाबा गुरु नानक साहब की धरती है उन्हों का जन्म स्थान है गुरु नानक साहब की धरती है जिस तरह इतने मतलब जिस तरह का माहौल बनाया गया लोग दसते हैं कि पाकिस्तान एक मतलब दसते हैं कि खतरनाक मुल्क है तो कोई इस तरह की गल नहीं है एक सुकून लाओ कोई इस तरह के मसले मसाइल ने सुकून अपनी यात्रा करो कोई इस तरह की गल नहीं है जो सोशल मीडिया फैल रही है या नॉर्मल जी है वे अपनी मीडिया से फैल रही है
पुरमन मुल्क है, पुरमन इलाका है, कोई इस तरह की गल नहीं, तुम आओ पाकिस्तान विजिट करो, इंशाल्लाह खुशी हो गई जाओ। सरदार जी तुम साढ़े भी दिल जित लेने ते चढ़ते पंजाब लेंदे, पंजाब कैनेडा और इंग्लैंड वाले भी दिल जित लेने, थोड़ा बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबान। ए जी सरदार साहब की दुकान के अंदर जड़ियाँ इस टाइम शेवा मौजूद ने, कृपान असी तुहानू विखाइए जी तुम खरीद सकते हो, और 1050 रुपये की कीमत है, कड़ा और कृपान इतने तुहानू दस्तियाब होएगी, और कॉस्मैटिक्स भी है इन्हां दे कोले, और इस टाइम सरदार होरां दी दुकान के अंदर गाहक आ गए हैं, तो लिहाजा मैं उन्होंने शायद तंगी की वजह ना बना, इस तो मुहब्बत के नाल और इज्जत के नाल ही इजाजत लै लेनी चाहिए है। देख लो जी वीर जी कॉस्मैटिक्स है इतने, चूंकि गाहक सन असी सरदार होरां नूं तंग नहीं किया। असी जनाब मौजूद हाँ ननकाना साहब दियां जिहड़ियां पुरानियां गलियां ने उन्हां दे अंदर, और असी जिहड़े साढ़े ननकाना दे दोस्त ने उन्हां जा रहे हैं, साडा इंतजार कर रहे हैं, और हुण असी उन्हां जावांगे, और उस तो बाद असी तुहानूं जिहड़े 6 गुरुद्वारे बाकी ने उन्हां दी यात्रा वास्ते भी लैके जावांगे, जिहड़े साढ़े सिंह बरादरी ने उन्हां नूं, और जिहड़े बाकी अहबाब ने साडे उन्हां दे नॉलेज वास्ते विच इजाफा होएगा। तो आओ साढ़े नाल चलीए थोड़ी देर ब्रेक, और उस तो बाद फिर अगे असी अपना सफ़र शुरू करांगे। माल जी गुरुद्वारा देखिए